Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are discussing real numbers, and this is video lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching this part 6. And in this video lecture, we are going to discuss some questions and what we had learned in the previous classes for a formula, that is LCM in प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू। से आगे बात करते हैं और कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं यहाँ तक हमने पिछली क्लास में किया था और आज और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सीखते हैं थोड़ा सा और कंसोलिडेट करते हैं चैप्टर को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 पहला क्वेश्चन जो है इसको हम लिखते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 15 can be written as 3 into 5 and 21 can be written as 3 into 7. Hello. So, ये अब आगे इसका LCM निकालना है। तो LCM क्या होगा? LCM हो गया कितना? तो LCM highest power of prime factors, 2 का highest power क्या है? 2 का highest power 2, 3 का highest power क्या है? 1, 5 और 7, ये हो गया इसका एलसीएम। और अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होना चाहिए इसका? तो एचसीएफ इसका होना चाहिए जो कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 3 इज ओनली कॉमन, सो एचसीएफ हो गया 3। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर हम इसमें ले, दूसरा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट ये है 17, 23 एंड 29। ये तीन नंबर्स हैं, इसमें आप 17 इंटू 1 प्राइम नंबर है, इसको भी 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको भी 29 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, कुछ नहीं है कॉमन। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, लेकिन इंटू 1 करने की कोई जरूरत है नहीं। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन, कॉमन क्या है इसमें? 1, तो एचसीएफ हो गया 1। तो इस तरीके से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब 8, 9 और 25 है प्राइम नंबर्स, कहने का मतलब ये है कि जब नंबर्स प्राइम हो तो आपको LCM निकालने के लिए सिर्फ उनको प्रोडक्ट ही करना है, नथिंग एल्स, सिर्फ प्रोडक्ट करना है। और अगर HCF निकालना है तो HCF ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 1, सिर्फ 1 होता है HCF, हमेशा याद रखें, ठीक है ना। ये एचसीएफ उसका क्या होगा? सारे अगर प्राइम नंबर्स हैं तो एचसीएफ उनका 1 होगा हमेशा। और दो ऐसे नंबर, एक और जानकारी दे देता हूं जो एडिशनल है, दो ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसको कहते हैं रिलेटिव को प्राइम नंबर, रिलेटिवली को प्राइम या सिंपल को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स HCF is 1, HCF is 1 called co-prime number, co-prime number। इसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, जैसे 4 और 5 है एग्जाम्पल, ये लीजिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया co-prime, है ना, 5 प्राइम है, 5 और 9 है, ये भी co-prime है ना। तो ऐसे कोई भी नंबर, 5 और 13 है, ये भी को प्राइम नंबर है, 7 और 20 है, ये भी को प्राइम नंबर है। तो क्योंकि इनका एचसीएफ क्या होगा? 1, इनमें 1 को छोड़कर के बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ये एक एडिशनल जानकारी थी, रिलेटिव को प्राइम नंबर और रिलेटिवली को प्राइम। तो ये एक शब्द है जिसका मतलब ये होता है, आगे जाके आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब हमारा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, इसका हमें लेना है एलसीएम और एचसीएफ। 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 को, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 का क्या है? 3, 3 का 2, 5 का 2, तो यह एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां एचसीएफ 1 होता है, बिल्कुल उसी तरह से जहाँ कोई नहीं होता वहां भगवान होता है, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे 1, ठीक है, इससे क्या होगा? 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखें, एचसीएफ ऑफ दिस टू इज 9, एलसीएफ फाइंड एलसीएम ऑफ दिस टू। तो अगर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है उन्हीं दो नंबर का, तो फॉर्मूला हम क्यों ना लगा दे, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वी नो दैट। ठीक है, तो एचसीएफ कितना दिया है इसका 9, एलसीएम का पता नहीं, वो निकालना है, और नंबर क्या है, एक है 306 और दूसरा है 657। ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 306 इंटू 657 और 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 9 डिवाइड कर लेगा किसी को भी, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 7 जा 63, है ना, 2 बच गया 27, 9 3 जा 27। अब इससे मल्टीप्लाई करना है 306 को और 73 से मल्टीप्लाई करना है, तो 306 और 73 से मल्टीप्लाई करना है, 63 जा 18 एंड 33 जा 9, है ना, एंड 76 जा 42 एंड 73 जा 21। तो ये हो गया 8 2 1 3 9 4 13, कैरी 1 1 2 एंड 2, सो 2 2 3 3 8, That is 2 2 3 3 8, यही होगा इसका LCM. So LCM of those two numbers is 2 2 3 8. ये प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, और इस प्रॉपर्टीज को चूंकि आप जानते हैं, और इनका यहाँ पे HCF जो है 9 लिखा हुआ है, और LCM आपको बताना है, नंबर दोनों ही जगह क्या है, सेम है। देखो ये भी 306 657 है, ये भी है सेम, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, और इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया इसका, एलसीएम। कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये लिखा है, ध्यान से देखें कि क्वेश्चन है कि चेक 6 to the power n कैंड इन विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब 6 का पावर n है हमारे पास, 6 को प्राइम फैक्टर में 2 into 3 लिख सकते हैं, और 2 into 3 का पावर n का मतलब हुआ 2 का पावर n into 3 का पावर n। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दो प्राइम फैक्टर्स मात्र ऐसे होते हैं जो मिलके आपस में प्रोडक्ट करके 0 बना सकते हैं, कौन कौन से, 2 और 5, और 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने 0 आखिरी में आएंगे। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, प्रेजेंस ऑफ 5 नहीं है, एंड इसलिए इसके आखिरी में कोई 0 नहीं आ सकता। तो क्या लॉजिक लिखेंगे, सिंस देयर इज, सिंस देयर इज, सिंस 5 is absent in product of prime factors of 6 to the power n, and hence no pair of 2 and 5 can be, no pair of 2 and 5 can be made, therefore no zeros will come at the end, therefore no zeros will come at the end of 6 to the power n। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन जो है, ये लिखा है 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, अब ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा है 7 × 11 × 13 + 13, 13 दोनों में,
13 कैन बी टेकन एज ए कॉमन, और 13 कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 तो इसमें से कॉमन ले चुके हैं और यहां 13 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा 1। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो 13 में कॉमन लेने का मतलब 13 से डिवाइड करना, तो ये 13 कैंसिल हो गया। इस 13 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया कि ये इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 70, 11 7 जा 77 प्लस 1 78 आ गया। तो ये हो गया 13 इंटू 6। फर्दर इट कैन बी रिटन एज 13 इंटू 2 इंटू 3। सो देयर आर मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स, कम से कम 3 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। सो सिंस इट हैज एटलीस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स एंड देयर फोर इट इज ए कंपोजिट नंबर। सिंस इट हैज मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स और डिवाइजर्स डिवाइजर्स, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टर्स या डिवाइजर भी कह सकते हैं कि मोर देन टू डिवाइजर्स अगर हैं तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा है कि 7 से 1 तक का प्रोडक्ट है प्लस 5, सो व्हाट कैन बी रिटन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से भी आप 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। और 5 कॉमन लेने के बाद जो बच जाएगा, 5 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 3 5 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, 3 टू जा ये हो गया 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144 एंड 144 इंटू 7, 7 4 जा 28 एंड 7 4 जा 28 एंड 2 30 कैरी 3 एंड 7 1 जा 7 एंड 3 10, 1008 प्लस 1 इज लेफ्ट। सो एंड ऑफ कोर्स दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1009 इंटू 1। 3 फैक्टर तो हो ही गए, बाकी अब और भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन 3 फैक्टर तो हो गए। तो सिंस देयर आर मोर देन, कम से कम 3 डिवाइजर होने चाहिए, है ना, एंड 2 डिवाइजर्स, कम से कम 3 डिवाइजर मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 डिवाइजर्स एंड हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ओके। तो अब एक क्वेश्चन यहां है, जरा इसको भी ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन लिखा है देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम and go in same direction, how many minutes will they meet again to at a starting point? इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर पार्क है ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक सर्कुलर पार्क है और इस पार्क में क्या हो रहा है कि यहां से सोनिया चल रही है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज ओ स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, चलो एस से लिख देता हूँ, एस है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से चल रहे हैं कौन कौन, यहां से चल रहे हैं सोनिया और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया और कौन से चल रहे हैं रवि। सोनिया को 18 मिनट लगता है ये पूरा चक्कर करने में, कितना मिनट लगता है 18 मिनट, और रवि को लग रहा है 12 मिनट। और फिर यहां पर आकर के कब मिलेंगे,
रवि भी यहां से चल रहा है इधर की तरफ और सोनिया यहां से चल रही है इधर की तरफ, सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो फिर यहीं पर कब मिलेंगे ये हमें पता करना है, यानी रिपीटेशन करना है। सोनिया भी वापस आए, वापस आना रिपीटेशन होता है, कोई भी चीज वापस हो बार बार हो तो वो रिपीटेशन होती है। और रवि भी यहीं पे आए तो रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब एक्युमुलेशन है। और ऐसा तब होता है जब हम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उसकी रिपीटेशन होती है। नंबर का मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल में क्या होता है रिपीटेशन होता है, कई बार मल्टीप्लाई होता है तब मल्टीपल बनता है जाकर के। तो यहाँ रिपीटेशन हो रही है नंबर्स का, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना चाहिए नंबर्स का एलसीएम। चूंकि 18 मिनट लग रहा है तो इनका भी रिपीटेशन चाहिए, और 12 मिनट लग रहा है उनका भी रिपीटेशन चाहिए। कौन ज्यादा तेज चल रहा है, सोनिया की रवि? रवि ऑफ कोर्स तेज चल रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कितना, 12 मिनट, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो रवि आगे आगे चल देगा, सोनिया पीछे पीछे, रवि आगे आगे सोनिया पीछे पीछे, है ना। तो रवि यहाँ आगे जाएगा, सोनिया उसके पीछे होगी कहीं, है ना। मान लो कि रवि यहाँ है तो सोनिया यहाँ है, रवि पहले ये चक्कर पूरा कर लेगा, तब तक सोनिया कहीं बीच में ही होगी, इधर ही कहीं होगी, पहुंची तो होगी नहीं। और फिर रवि आगे दूसरा चक्कर करेगा, जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि वहां से चला जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे पहली चक्कर में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि रवि जल्दी से 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा और सोनिया बेचारी धीरे धीरे 18 मिनट में उस चक्कर। ऐसी स्थिति में जब 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा तब सोनिया यहाँ पे पहुंची होगी? नहीं, कहीं इधर होगी, सोनिया कहीं इधर होगी। रवि यहाँ से फिर यहाँ वेट करेगा कि आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो सोनिया जब यहाँ पहुंचेगी तो रवि कहीं आगे चला गया होगा, फिर रवि जब यहाँ पहुंचेगा तो शायद सोनिया न पहुंचे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर कब मिल रहा है? तो ये तभी संभव है जब नंबर्स का रिपीटेशन हो। और नंबर का रिपीटेशन होने के लिए हमने क्या बताया, क्या निकालते हैं, एलसीएम। अगर आपने ये बात क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम कब निकालते हैं। तो इसलिए अब हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 का क्या होगा, 36 वैसे एलसीएम होगा, निकालने में दिक्कत तो नहीं है। और अगर निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 18 को लिख सकते हो क्या, 3 का स्क्वायर इंटू 2, है ना, 9 इंटू 2 होता है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 इंटू 2 18 होता है। अब एलसीएम निकालना है तो आप क्या लिख दोगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट इज 2, तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। वैसे पता चल जाएगा, कॉमन सेंस है कि 36 में पता चल जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इज इन 36 मिनट्स, 36 मिनट्स में सोनिया 18 मिनट ले रही है एक चक्कर में, तो 36 मिनट में कितना लेगी, दो चक्कर। और दो चक्कर के बाद सोनिया यहाँ से चल के यहाँ एक चक्कर, और फिर दो चक्कर के बाद यहीं पर पहुंची होगी सोनिया, सोनिया यहाँ पे पहुंची होगी। रवि 12 मिनट ले रहा है एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना ले रहा है रवि, 12। तो 36 मिनट में कितने चक्कर ले लेगा, तीन चक्कर, और तीन चक्कर के बाद यहाँ पहुंचेगा। तो 36 मिनट में सोनिया दो चक्कर पूरा करके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी, और रवि तीन चक्कर पूरा करके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। और इस तरीके से ये दोनों जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सो सोनिया एंड रवि विल मीट ईच अदर आफ्टर 36 मिनट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। ये होगा, सोनिया विल टेक 2 कंप्लीट साइकिल एंड रवि विल टेक 3 कंप्लीट साइकिल। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चल निकालना है, कब एक्सिट निकालना है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप, अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा तो दिक्कत हो सकती है ना।